आज भारतीय जनता युवा मोर्चा अरुणाचल प्रदेश ने केंद्र में मोदी 3.0 के नेटवर्क वाली भाजपा सरकार के जश्न में वृक्षारोपण अभियान चलाया। दोनी पोलो हवाई अड्डे ईटानगर में आयोजित वृक्षारोपण अभियान में पंचा उक्का निर्वाचन क्षेत्र से नव निर्वाचित विधायक होनचुन नांगदान और मियाओ सीट से कमलुंग मोसांग के साथ साथ राज्य भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकारी सदस्य और अन्य स्वयंसेवक शामिल हुए। मीडिया से बात करते हुए सदस्यों ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यालय पर अपनी खुशी व्यक्त की और पर्यावरण के संरक्षण और सुरक्षा के महत्व पर अपने विचार साझा किए। जन जन का यही पुकार, जन जन का यही पुकार, भारत माता की, भारत माता की, बीजेपी, बीजेपी, एनडीए, एनडीए, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, पेमा खंडू, भारत माता की, विजयवयम, जिंदाबाद। ये प्लांटेशन हम लोग का इसलिए हम लोग आए हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा का टीम ने हम लोग को ये इनवाइट किया, आज लगाया हम लोग। हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर मोसन साहब है, ऑनरेबल एमएलए चकर मैडम है, हम लोग और पूरा यहाँ रैंक एंड फाइल ऑफ द युवा मोर्चा लोग हैं। नरेंद्र मोदी जी का थी मतलब तीसरे बार ये शपथ लेने जा रहा है आज, उसका विक्ट्री नाम में हम लोग ये प्लांटेशन किया गया है। एनवायरनमेंट को या वातावरण को हम लोग ये बचा के रखना है, ये कॉन्सेप्ट ये है। दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा है पर्सनली, इसलिए हम लोग दौड़ के आए हैं। क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इंडिया एज ए होल अंडर लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ये वातावरण को बचाना, वाइल्ड लाइफ को बचाना, फॉरेस्ट को बचाना, ज़मीन को बचाना, देश को बचाना, जनता को बचाना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज प्लांटेशन इट कैरीज मेनी मीनिंग। प्लांटेशन होगा तो फिर ये वातावरण बचा के रखेगा, वातावरण को बचा के रखेगा तो वाइल्ड लाइफ भी बचा के रखेगा या पानी को भी बचा के रखेगा, इसलिए ये मीनिंग बहुत मीनिंगफुल है। और विक्ट्री दिन को हम लोग ये प्लांटेशन किया है, बहुत अच्छा है, विक्ट्री दिन का भी है और प्लांटेशन जो क्या है वो भी जीते रहेगा, ग्रो होते रहेगा, हम लोग को मज़ा लगेगा, देश के लिए, जनता के लिए, सबके लिए, पार्टी के लिए। थैंक यू सर। स्टेट में भी अभी बीजेपी गवर्नमेंट बनने जा रहा है, सेंट्रल में भी बनने जा रहा है, अभी मेन मुद्दा क्या रहेगा सर दोनों में? मेन मुद्दा सीएम साहब बताएगा, हम लोग तो है ही, मेन मुद्दा तो डेवलपमेंट है, मेन मुद्दा तो। तो स्टेट में सर कब तक बनने का चांस है? कब तक तो हम नहीं बता सकते हैं, सीएम साहब लोग जब वापस आएगा तब वो लोग बताएगा, तभी हम लोग को सुनने को मिलेगा, अभी तक तो हम लोग को कुछ मालूम नहीं। अभी सबसे पहले तो मिनिस्टर होगा नहीं होगा वो तो हमारा लीडर डिसाइड करेगा, जब ऑट टेकिंग सेरेमनी होगा देन ओनली हम सबको पता चलेगा कि न्यू टीम में कौन कौन शामिल होने वाला है, उसके बाद होगा। और आज का ये जो जैसे गंडम साहब ने बताया, इट्स अ पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन, विक्ट्री सेलिब्रेशन ऑफ भारतीय जनता पार्टी इन आवर स्टेट एज वेल एज द सेंटर। तो इकोसिस्टम को बैलेंस मेंटेन करने के लिए फॉरेस्ट का कितना रोल है सबको पता है। सो आज भारतीय युवा मोर्चा जो हमारा स्टेट का बीजेवाईएम ने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, आई एम अप्रिशिएट द बीजेवाईएम फॉर इनिशिएटिंग दिस प्रोग्राम। हमको बुलाया, हम सब आ गया एंड दिस इज़ अ गुड इनिशिएटिव, बिकॉज इकोसिस्टम बैलेंस होगा तो हमारा सर्वाइवल के लिए अच्छा होगा। सो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आज हम लोग भारतीय जनता युवा मोर्चा अरुणाचल प्रदेश के कार्यकर्ता और पार्टी के कार्यकर्ता हम लोग ट्री प्लांटेशन का कार्यक्रम रखा है होलोंगी एयरपोर्ट से, आपका वो जो कंपाउंड से लेके हम लोग बाहर से लगभग 500-600 का पेड़ है। और मोटिव यही है कि अभी जिस प्रकार से जो एनवायरनमेंट जो हमें देखने को मिल रहा है और उसको लेके हम लोग काफ़ी सीरियस कंसर्न है। और साथ साथ आज देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ऑट टेकिंग और देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, तो स्पेशली हम लोग युवा मोर्चा अरुणाचल प्रदेश के कार्यकर्ता हम लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को ट्री प्लांटेशन डे के हम लोग उनको डेडिकेट कर रहे हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा कार्यक्रम है और
उन्हीं को हम लोग डिरेक्ट, क्योंकि वो बहुत बड़ा पॉपुलर लीडर है और इसके लिए इन्वायरमेंट को लेके पूरा देश में, वर्ल्ड में और पूरा कंसर्न रहता है, इसलिए हम उनको डिडिकेट कर रहे हैं।